अलेक्सा। हाँ बोल। यार मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो कोई ओयो बुक कर दोगी मेरे लिए? अबे चिलगोजे, तेरी गर्लफ्रेंड ही कहाँ है? यार अलेक्सा जरूरी थोड़ी है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओयो जाऊँ, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ भी तो जा सकता हूँ। मैं तो अपने दोस्त तुषार की गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा हूँ ओयो घूमने, तुम बुक करोगी कि नहीं करोगी बस वो बताओ। तेरे गंदे इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। यार मेरे ना कोई गंदे इरादे नहीं है, ठीक है? उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है बस, वही बोलती रहती है। मैंने तो कभी उसको बोला ही नहीं, वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड से तो कुछ हो नहीं रहा, तुम घुमा लाओ मुझे, ले जाओ कहीं। अब मैंने सोचा ओयो से बढ़िया कोई प्लेस है घुमाने के लिए, कोई बढ़िया सी पिक्चर लगा के उसको दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा। हमेशा दूसरों की गर्लफ्रेंड पर ही नजर मारियो कमी। अलेक्सा मैंने कोई गंदी नजर थोड़ी मारी है, बस उसकी गर्लफ्रेंड है इतनी हॉट कि मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ चली जाती है, मैं क्या करूं बताओ। और वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को झूठ बोल बोल के आती है मुझसे मिलने। तू बहुत बड़ा हूर का परा है ना, इसलिए आती है। यार तुम भाड़ में जाओ अलेक्सा, तुम ना बस बेइज्जती कराती रहती हो मेरी हर जगह। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हेलो प्रिया। अरे यार प्रिया, यार तेरे बारे में एक बात सुनने को मिली है। नहीं तू आजकल ये छोटे बच्चों के डायपर क्यों चुरा रही है? नहीं नहीं मतलब यार ये कोई बात थोड़ी होती है यार, ऐसे तू बच्चों के डायपर चुरा रही है, ठंड आ रही है। अरे तो ठंड में डायपर कौन चुराता है? क्या मतलब डायपरों की रजाई बना के उड़ेगी? अबे भाई कम से कम तू तो फिर 500-600 बच्चों के डायपर चुरा लेगी, और उनकी टट्टी नहीं तो वो हगेंगे तो फिर वो तो सारी सड़क पे आएगी ना। देख प्रिया ये बात तेरी सही नहीं है, ठीक है? ऐसे छोटे बच्चों का डायपर नहीं चुराते हैं, ठीक है? तू एक काम कर, तू ना अपनी नाभि में से रुई निकाल ले, ठीक है? उसकी रजाई बना। नहीं नाभि में ना हमारी नाभि में ना रुई होती है, मैंने भी उसके तकिए बना रखे हैं दो। नो 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 नो। अरे तो पूरे घर वालों की निकाल ना, मम्मी की नाभि में से निकाल, पापा की नाभि में से निकाल, दादा की नाभि में से निकाल ले, सबकी नाभि में से निकाल के एक बढ़िया रजाई बन जाएगी, सर्दियों का जुगाड़ अच्छा हो जाएगा तेरा। नहीं मेरी तो नाभि नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। नहीं वहां रुई नहीं रखता मैं, पागल है क्या? पीछे कौन रुई रखता है अपने? तेरे घर वाले रखते होंगे पीछे रुई, हमारे पीछे रुई नहीं होती, सब सफाई रहती है। यार तू एक काम कर, तू अपने बॉयफ्रेंड की नाभि में से रुई निकाल ले, तेरा बॉयफ्रेंड तो हैवी गद्दे जैसा, उसका पेट देखा सूअर जैसा फूल रखा है करके, भैंस तो लगता ही है वो। गाली क्यों दे रही है मुझे? गाली क्यों दे रही है? फोन काट दिया। अलेक्सा। हाँ बोल। यार मेरे दांतों में ना कीड़े लग गए हैं, कोई आइडिया बताओ जिससे मेरे दांतों के कीड़े सही हो जाए। दांतों को छोड़ तेरे तो दिमाग में भी कीड़े लगे हैं। यार अलेक्सा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कीड़े तो तुम्हारे दांत तुम्हारे मुंह में लगे हुए हैं, जब देखो दिन भर मुंह से गंदगी निकालती रहती हो। तुम लैटरिंग वाले ब्रश से ना अपना मुंह साफ करा करो, शायद तुम्हारी जबान साफ हो जाए, सॉरी जुबान साफ हो जाए। दिन भर फालतू मुंह से हकती रहोगी जब देखो। लैटरिन वाले ब्रश से तू अपना मुंह और दिमाग दोनों साफ कर ले। यार अलेक्सा मुझे मुझे तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ज्यादा जरूरत है ठीक है लैटरिंग वाले ब्रश की जिंदगी में, किसी किसी के लिए तो कभी तो कुछ अच्छा बोला करो। तुम एक काम करना, अपना मुंह ना तुम लैटरिंग में ही दे देना, ठीक है? तुम मुंह नहीं, तुम पूरी घुस जाओ फ्लश के अंदर, और बटन दबा दो ऐसे घूम के ना गटर के ढक्कन में घुस जाओ। आजा दोनों टट्टी के पानी में डूब के मर जाते हैं, आजा जल्दी आजा। यार तुम जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है?
तुम डूब के मरो लैटरिन के पानी में। जब देखो बकवास करती रहोगी, कभी ढंग की बातें नहीं करती, जहाँ जाऊँगा वहीं बेइज्जती कराने लगती हो। पहाड़ में जाओ तुम,